नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। भोजपुरी फिल्म स्टार व सांसद निरहुआ ने चंदौली में दिए गए अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि देशभक्त यादव बीजेपी के साथ हैं और बाकी जो बच्चे अखिलेश यादव के साथ हैं। कहा कि यादवों का इतिहास जानने की जरूरत है। यादव कृष्ण के वंशज हैं। आजमगढ़ शहर के एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि जो आदमी अपने धर्म का विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करे, उसके साथ अगर कोई राग अलापे तो वो असली यादव हो ही नहीं सकता। आजमगढ़ के सभी 10 सपा के विधायकों को निकम्मा कहे जाने के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि मैं इन दिनों गोपालपुर विधानसभा में शूटिंग कर रहा हूं। वहाँ कई बार से समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता अपने विधायक से त्रस्त है। जनता ने आपको चुना है, अगर काम नहीं करेंगे तो निकम्मे ही कहे जाएंगे। कहा कि समाजवादी पार्टी को भ्रम है कि यादव उनके साथ है, जबकि जो भटके हुए लोग हैं वही सपा के साथ है। सपा के विधायक हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले रक्षा को कटवाते हैं, ये लोग भटके हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने चुना है और भाजपा देश के लिए काम कर रही है। भाजपा का विरोध करने वाले अखिलेश के साथ जुड़े लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं। कहा कि जो देशभक्त होगा और कभी भी इसके विरोध में बात नहीं करेगा, जबकि अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध और सेना का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं कि कहीं भी पत्थर रख कर टेक दो वहां भगवान निकल जाते हैं, ऐसा व्यक्ति यादव कैसे हो सकता है, ये जांच का विषय है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव अपने पिताजी के दम पर गलती से एक बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका हश्र क्या हुआ। 2024 में यही देखने को मिलेगा जब देशभक्त यादव भाजपा के साथ होंगे और बचे हुए इनके साथ जाएंगे। इसी संदर्भ में मैंने ये बयान दिया था। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी दावा करती है कि आजमगढ़ का जो विकास हुआ उनके जमाने में हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि 30 साल का काम मेरे सांसद बनने के बाद भाजपा सरकार में 3 महीने में हुआ। गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए वाराणसी रेल लाइन के सर्वे का काम का टेंडर हो चुका है, रिंग रोड बन रहा है और सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है। जो काम समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर पाई वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक बयान था जिस पर काफी विवाद हो रहा है कि असली यादव देश के और बाकी बच्चे अखिलेश हैं। जी, किस संदर्भ में आपने बयान दिया? संदर्भ ये है कि उसके लिए बहुत पूरा इतिहास जानना पड़ेगा। यादवों का इतिहास क्या है, यादव कौन है, कृष्ण के वंशज है यादव, और जो आदमी हमारे धर्म का विरोध करता है, जो आदमी हमारे मंदिर के विरोध में बोलता है, अगर उसके साथ में कोई अगर राग अपनी अलापे तो मैं नहीं मानता कि वो असली यादव है। असली यादव वो है जो अपने देश के हित में बात करे, जो अपने धर्म के लिए बात करे। तो इस संदर्भ में मैंने कहा था। आपने ये भी कहा कि आजमगढ़ जिले के 200 विधायक निकम्मे हैं, इसका क्या संदर्भ ये है कि काम नहीं हुआ ना। अभी मैं गोपालपुर में रोज रह रहा हूँ, गोपालपुर में लगातार जीतने वाले विधायक सपा के हैं और वो कुछ काम ही नहीं किए हैं और त्रस्त है वहाँ की जनता। तो इस बात से नाराज होने से अच्छा है काम कीजिए। अगर जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है तो जनता का काम कीजिए, नहीं करेंगे तो निकम्मे ही कहे जाएंगे। और यहाँ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, उनका कहना है कि निरहुआ को यादवों का इतिहास नहीं पता है, यादव हमेशा भारत माता के साथ है और देश के साथ है और अखिलेश के साथ है, भाजपा के साथ तो दलाल लोग हैं खाली। हाँ, ये उनका भ्रम है और इसीलिए वो जो भटके हुए लोग हैं, जो भ्रम में हैं, उनके लिए ही मैंने कहा था, ऐसे ही लोगों के लिए कहा था। आपके आजमगढ़ में जो सपा के विधायक हैं वो ये हम लोग रक्षा पहनते हैं हाथ में, हिंदू धर्म में बच्चों का पकड़ के हाथ से रक्षा काटते हैं, ये भटके हुए लोग हैं, इनके लिए ही कहा था। तो वो तो कह रहे हैं जो भाजपा में यादव जुड़े हुए दलाल हैं। ठीक है, वो भ्रम है उनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर प्रचंड बहुमत में आई है तो निश्चित रूप से देश मानता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले अखिलेश जी
अगर उनके साथ में कोई जुड़ा है तो मैं कैसे मान लूँ कि वो देश के लिए जुड़ा है या वो देश के लिए काम कर रहा है। क्या अखिलेश देशभक्त नहीं है? आप ये कहना, भक्त कभी अपने धर्म के विरोध में, अपने भारत की उपलब्धियों के विरोध में तो बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि भारत जब कोरोना काल में वैक्सीन बनाता है जिसकी दुनिया तारीफ करती है, उसका अखिलेश विरोध करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये देशभक्त हो सकते हैं। अपने देश की, अपने देश के उपलब्धियों का विरोध करना, ये कहाँ की देशभक्ति है? अपने देश के सेना का विरोध करना, अपने देश की जो सबसे बड़ी पहचान है राम मंदिर का विरोध करना, ये कहना कि कहीं पे पत्थर रख के टिक दो वहाँ ये लोग का भगवान हो जाते हैं, ये कौन से यादव हो सकते हैं? ये जांच का विषय, इनको जांचना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये यादव हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं। अरे ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है। अपने पिताजी के बदौलत हो गए थे, अब नहीं होंगे कभी। और जो मैंने कहा वो देखिएगा आप, 24 में आपको दिखेगा। जो लोग जान चुके हैं इनको, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, और जो बचे खुचे होंगे वही इनके साथ होंगे। इसीलिए कहा था मैंने कि सच्चे देशभक्त हैं वो तो देश के साथ, देश की तरक्की के साथ रहेंगे, देश की प्रगति के साथ रहेंगे, और जो बचे खुचे भटके लोग हैं वही उनके साथ बचेंगे। 24 में आप देख लीजिएगा। सपा विधायकों को प्रदेश में विकास हुआ, सपा ने किया, भाजपा तो सिर्फ जो है जुमलेबाजी करती है और किसी तरह सरकार बनाने की कोशिश करती है। 24 में उनको पता लग जाएगा, ये तो आजमगढ़ की जनता बताएगी और बता चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो और आगे भी समझ में आएगा। ये भ्रम था ना, चिल्ला रहे थे ना कि 22 में सरकार बनाएंगे, तो बना लिए। हमने तो 22 में ही कह दिया था, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, तो आए ना। ये लोग भी चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप नए रोज वादा करते हैं और वादा कोई पूरा नहीं होता है, विकास का। आप देखिए, अभी 3 महीना हुआ है अभी आए हुए हम लोगों को। आपका गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस का रेल मार्ग का टेंडर निकल गया, रिंग रोड बनना शुरू हो गया। अभी देवारा में जो ये लोग कभी नहीं बना पाए थे, वो बांध भी बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो कौन जुमलेबाजी करता है ये तो पता चलेगा। हम लोग तो 3 महीने में जो काम किए हैं ये 30 साल में नहीं कर पाए। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव के वार पर समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सपा नेताओं का कहना है कि नरहुआ जीत कर आए हैं, इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यादव बिरादरी जातिवाद नहीं, अखिलेश यादव के साथ है। सपा नेताओं का कहना है कि 2024 के चुनाव में पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी तो बहुत नारा दे करके आए लोग, बीजेपी के लोग हमरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर देख लीजिए आप, 5 साल बीत गया, अब फिर 6वां साल चल रहा है इनका। इन्होंने क्या किया है आजमगढ़ में, क्या किया है पूरे प्रदेश में, क्या किया है? अगर पूछा जाए तो जो भाजपा के जो विधायक हैं वो भी परेशान हैं। तो ये तो केवल लोग जनता के जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोल करके सत्ता में आने के प्रयास करते हैं, मगर इनका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले दिनों में 2024 में पता लग जाएगा कि कौन पार्टी मजबूत है, कौन क्या है। अब की बार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे वो भारी मतों से जितने काम करेंगे। आ काम की बात रही है आजमगढ़ में, काम की बात है आजमगढ़ में, तो जो विकास हुआ है किसी छिपा नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। इन्होंने क्या किया है? माननीय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम आजमगढ़ में पूरे प्रदेश में हुआ है, ये समाजवादियों की देन है। निरहुआ को न यादव के बारे में जानकारी है, न देश के बारे में जानकारी है। यादव जातिवादी नहीं होता है, यादव समाजवादी होता है, और यादव देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के लिए जान कुर्बान करने वाली बिरादरी है। निरहुआ को न यादव के बारे में जानकारी है और न देश के बारे में जानकारी है। निरहुआ जिस पार्टी में है, उस पार्टी में जहां उसकी जगह है, वो आजमगढ़ के लोगों को मालूम है।
बाई दबे चुनाव जीतने की गर्मी निरहुआ से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फेंकने की आदत है। हमेशा कुछ न कुछ फेंक के चर्चा में बने रहते हैं, काम नाम कुछ कर नहीं पाते बेचारे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। निरहुआ के इन सब चीज़ों पर बात करना चाहिए। सर, जब काम पे उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक ने कोई काम नहीं किया। मैंने तो आपसे कहा कि निरहुआ को कोई इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। आजमगढ़ में आया अभी बेचारा तो फिल्म बनाने के लिए। आजमगढ़ के विकास की हर एक पीठ पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है, यह पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। अब हम निरहुआ को कैसे समझाएं कि आजमगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, बता दो हमें। समाजवादियों की दीन है और आजमगढ़ के लोग समाजवादी हैं। बाय द वे, कभी कभी निरहुआ टाइप आदमी भी चुनाव जीत जाया करते हैं। बहुत तो फेंक रहे थे कि विकास की गंगा बहा देंगे। इतना दिन हो गया, इतनी बड़ी विभीषिका आई थी दीवारे में, कहीं निरहुआ का पता नहीं था। महिलाओं ने रोक करके निरहुआ की गाड़ी पूछना चाहा, गाली गलौज हुई, कोई काम क्या किया निरहुआ। तो निरहुआ का काम है फिल्म बनाना, फेंकता रहता है। निरहुआ इस्तेमाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग निरहुआ को लगा करके यादव जाति में कुछ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होने वाले सांसारिक सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले धर्मराज एवं यमराज को सृष्टि संचालन में सहयोग करने वाले भगवान चित्रगुप्त जयंती गुरुवार को चित्रगुप्त मंदिर में पूरी श्रद्धा व भक्तिभाव के वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर पूजा पाठ हवन आरती कर समाज में प्रेम सौहार्द एवं समरसता की कामना की गई। हालांकि इस बार श्री चंद्रगुप्त वंशीय जनपद सभा के मंत्री राजेंद्र कुमार वर्मा रज्जन के निधन के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सभा के अध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि भगवान चित्रगुप्त के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। भगवान चित्रगुप्त सभी जाति धर्म के लोगों के सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा कर उसे उसका फल निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त पूजा के माध्यम से कायस्थ परिवारों द्वारा विशेष रूप से कलम दवात की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त सभी जाति धर्म के देवता हैं, लेकिन इनकी पूजा सिर्फ कायस्थ जाति के लोग ही करते हैं। आज के दिन इनके पूजा आराधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजनोत्सव है, जिसमें हमारे जाति के बिरादरी के सभी कायस्थ बंधु सम्मिलित हैं सपरिवार, और हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इसी वर्ष चूँकि हमारे कार्यरत मंत्री स्वर्गीय रज्जन वर्मा जी का देहावसान हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह या सेलिब्रेशन नहीं किया है, केवल पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं इस अवसर पर सभी कायस्थ बंधुओं का वो बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 6 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हित चिंतक अभियान की योजना बैठक गुरुवार को हर्रा की चुंगे स्थित नेत्र मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता भी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र कुमार सम्मिलित हुए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिले भर से आए प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 नवंबर से विश्व हिंदू परिषद द्वारा संपूर्ण देश भर में हित चिंतक अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता हिंदू समाज के बीच जाकर हिंदू हितों की चिंता करने वाले सभी हिंदू परिवारों को विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ेंगे।
विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले हितचिंतक अभियान में विहिप आरएमगढ़ की इकाई द्वारा 50,000 से ज्यादा हितचिंतक बनाने का लक्ष्य लिया गया। बैठक में विशेष रूप से विहिप गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री कुंवर नागेंद्र, विभाग संगठन मंत्री दिव्यांशु, विहिप के जिला मंत्री गौरव रघुवंशी, आशीष गोयल, दीनानाथ सिंह, कुंवर गजेंद्र, संतोष गुप्ता, विमल मौर्य, अधिवक्ता मनोज सिंह, चंदन सिंह, शंकर यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज यहाँ नेत्र मंदिर आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ की जिले की बैठक आयोजित की गई है। विश्व हिंदू परिषद वास्तव में विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का कार्य कर रहा है। यह हमारा संगठन इसलिए है ही कि जो हमारे हिंदू इधर उधर बिखरे हुए हैं उनके बीच में संगठनात्मक वैचारिकता एक नहीं हो पा रही है, उन्हें हम संगठित करके एक बनाएं और उनके हितों की रक्षा के लिए हम सभी यहाँ विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उनकी सेवा करने को, उनकी सहायता करने को तत्पर हैं। इसी क्रम में जो हिंदू भाई हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए यह एक हित चिंतक अभियान का रूप दे करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ कोई वार्षिक सदस्यता नहीं होती, मात्र हित चिंतक अभियान के माध्यम से ही हम अपने सारे हिंदू भाइयों को आपस में जोड़ते हैं। कौन आया? आज हमारी इस बैठक में हमारे अवध प्रांत से क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय गजेंद्र जी भाई साहब का आगमन हुआ था और उनका हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार हम अपने सारे हिंदुओं से संपर्क करके उन्हें संगठित करेंगे और इस अभियान के माध्यम से उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। यह अभियान हमारा 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा और पूरे देश भर में चलने वाला है, केवल आजमगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह अभियान 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा और हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए हम कार्य करेंगे और उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। 21 नवंबर तक विश्व हिंदू परिषद द्वारा देश भर में हित चिंतक अभियान चलाया जाएगा और इसी क्रम में अपने आर्यगढ़ जिले की आज योजना बैठक सम्पन्न हुई है, जिसमें हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय गजेंद्र जी भाई साहब का आगमन हुआ। आरएमगढ़ जिले में हम लोगों ने 50,000 का लक्ष्य लिया हुआ है, अपने संगठन से हम 50,000 लोगों को जोड़ेंगे और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ करके विधिवत योजना बनाई है। हमारी टोलियां गांव-गांव तक जाएंगी, प्रत्येक हिंदू हितों की चिंता करने वाले परिवारों से हम लोग संपर्क करेंगे और इसके माध्यम से संगठन को भी हम और लोक आस्था छठ मैया और सूर्य भगवान की उपासना का पर्व डाला छठ शुक्रवार से शुरू होगा। प्रथम दिन महिलाएं स्नान और संध्या काल में लौकी की सब्जी और भात खाकर पूजन अर्चन करेंगी। छठ मैया के स्वागत को घर आंगन सज रहे हैं, बाजार से पूजन सामग्रियां खरीदी जा रही हैं, तो वहीं नहर व नदी किनारे घाटों पर भी तैयारियां तेज हो गई। लोगों ने वेदिका भी बनानी शुरू कर दी। घाटों पर बनाई गई वेदियों पर श्रद्धालु महिलाएं दीप जलाएंगी और छठ मैया का ध्यान करेंगी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ के कारण छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर वेदी के लिए जगह ढूंढने पहुंची महिलाओं और उनके परिवार के लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश और बाढ़ का पानी सभी घाटों से पूरी तरह से नहीं उतर पाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो नदी और तालाब के किनारे का हिस्सा पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसको लेकर व्रती परिवार चिंतित है। पूजा समितियां भी साफ सफाई न होने, प्रकाश व्यवस्था के दुरुस्त न होने को लेकर परेशान हैं और अब अपने स्तर से प्रयास करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कई हजार लोग आते हैं, यहाँ साफ सफाई के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, जो करना होता है हम ही लोग करते हैं। 3-4 चक्कर चेयरमैन साहब के यहाँ गए हम लोग, कोई मुलाकात नहीं, अब तक कोई संपर्क नहीं हम लोग उसकी, और जो भी व्यवस्था करेंगे हम ही लोग करेंगे। नदी की स्थिति थोड़ी बढ़ी हुई है, पानी ज़्यादा है, अगर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या लोग छठ में लोग खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत है? जी जी, बहाव तगड़ा है, गहरा पानी भी है, अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो दिक्कत होगी। और प्रशासन को चीज़ बताया आपने? जी अभी नहीं, हम लोग देंगे, प्रशासन को सूचना देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जो घाट पे लाइटें लगी है वो सही हो, जले और यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाए।
मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर 70,000 रुपए घूस लेने वाले मुख्य आरक्षी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्टूबर को लक्ष्मी पत्नी राजकुमार और उनके पुत्र साजमान निवासी हरीश चंद्रपुर थाना गंभीरपुर थाना जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दी गई कि क्षेत्र अधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ पेशी के हेड कांस्टेबल राम समोच द्वारा मुकदमे से नाम निकालने के लिए 70,000 रुपए लिया गया। इसकी जांच एडिशनल एसपी ट्रैफिक द्वारा कराई गई, जिसमें आरोपी की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली पर घूसखोर हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर 26 अक्टूबर को वांछित अभियुक्त हेड कांस्टेबल राम समोच पुत्र जगन्नाथ राम निवासी अख्तियारपुर थाना चितबड़ा गांव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस कार्यालय में लक्ष्मी नाम की महिला द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि हेड कांस्टेबल राम सोच द्वारा 70,000 रुपये एक अभियुक्त को गंभीरपुर के मुकदमे में से निकालने के लिए उसके द्वारा लिए गए हैं। इस जानकारी पर जांच एसपी ट्रैफिक को सौंपी गई और उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट करी गई, जिसके पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 503/22 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का थाना कोतवाली कायम किया गया। राम सोच की गिरफ्तारी की जा चुकी है व इसको न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से इसको 14 दिन के रिमांड पर जिला कारागार भेजा जा चुका है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ कस्बा में हनुमान मंदिर के पास राजेश मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 10,000 नकदी सहित लाखों रुपए का सामान उठा लिया। राजेश कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ मौर्य निवासी बेलसर जमीन बेलसर थाना जैनपुर की किराए की दुकान लेकर मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप की रिपेयरिंग करता है। बीती रात्रि चोर दुकान का ताला तोड़कर 100 डेटा केबल, 20 बड़ी पुरानी मोबाइल, 12 छोटे मोबाइल, 2 लैपटॉप, 16 फोल्डर LCD, 10,000 रुपए नकदी आदि सामान उठा ले गए। सूचना मिलने पर पहुंचे चौकी प्रभारी सुल्तान सिंह जांच करने में जुट गए। हालांकि अभी सीसी कैमरे को खंगाला जा रहा है। सीसी कैमरे में चोर की स्पष्ट तस्वीर बैग ली हुई आ रही है। प्रशातिर चोर ने पहले कई बल्ब को निकाल लिया और उस स्थान पर अंधेरा करके इत्मीनान से शटर के ताले को रंबे से तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में अजमतगढ़ चौकी प्रभारी सुल्तान सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, जल्दी खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जनपद के बाजारों में बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। अजमतगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश जायसवाल ने कहा कि जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं किया गया तो व्यापारी सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। सर्दी का मौसम बढ़ते ही लगातार चोरियां बढ़ती तादाद से जैनपुर पुलिस को काफी परेशान है और बाजारों में गश्त लगाने के निर्देश समस्त चौकी प्रभारियों और सिपाहियों को दिया गया है। क्या क्या चोरी हुई? 3 लैपटॉप थे, बाकी सभी मोबाइल थी। कस्टमर मोबाइल थी जो रिपेयर करने के लिए मेरे पास आती थी। कितनी मोबाइल लगभग रही होंगी? 17-18 मोबाइल गायब हुई हैं उसमें से। बाकी उसमें एयरफोन था, नेट बैंक था, ब्लूटूथ था, वो भी सभी गायब हो गए हैं। बैटरी वैटरी सब कुछ, कुछ रिपेयर करने वाली मशीनें थी वो भी गायब है। तो मतलब पूरा दुकान साफ कर दिया? हाँ, दुकान में साफ कर। आप कल दुकान कितने बजे बंद करते? दुकान 9:30 बजे बंद किया था। आपको कितने बजे सूचना मिली कि आपकी दुकान में चोरी हो गई? और भी 5 बजे मिली है। मोबाइल की दुकान थी कल रात में, जो है शटर वगैरह जो हटा के इसका जो है तोड़ के चोरियां हुई है जो है कल, और इससे काफ़ी व्यापारियों में रोष है। इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो और पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। इस तरह से चोरियां अगर होंगी तो आने वाले जो है जो ठंड बढ़ेगा जो उसमें जो है और भी चोरियां बढ़ेंगी अगर पुलिस इस तरह निष्क्रिय रहेगी तो। पूर्वांचल किसान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड
हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।